हिंदू पंचांग जिसे विक्रम संवत या हिंदी कैलेंडर भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में समय की गणना और त्योहारों की तिथियों के निर्धारण के लिए इसका उपयोग होता है। खास बात यह है कि इसे समझकर तिथियों को ज्ञात करना अपने आप में एक कला है। यह पंचांग धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व रखता है। ऐसे में लोगों में जानने की ये उत्सुकता रहती है कि हिंदू पंचांग देखा कैसे जाता है और इसका आविष्कार किसने किया था। पंचांग के 5 अंग होते हैं। इन 5 अंगों के आधार पर ही पंचांग को देखा जाता है और इन्हीं 5 अंगों से पंचांग का निर्माण होता है। तो ये 5 अंग कौन कौन से है, यह वार है, तिथि है, नक्षत्र है, योग है और करण। इन 5 के अंग से मिलाकर के पंचांग बनता है। इन्हीं के आधार पर तिथि और वार और क्या कहते हैं नक्षत्र के आधार पर ही योगों का निर्माण होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग हो, चाहे अमृत सिद्ध योग हो, चाहे अमृत काल का योग हो, ये तमाम योग जो है इन्हीं पंचांग के 5 अंगों के आधार पर ही निर्माण होते हैं। इन्हीं के आधार पर पंचांग देखा जाता है। काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने सिलसिलेवार तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया है। हिंदू पंचांग का आविष्कार किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि वर्षों के वैज्ञानिक और ज्योतिषी अध्ययन के परिणाम स्वरूप हुआ है। ऐसा माना जाता है इसका मूल प्रारूप प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य के समय विकसित हुआ, लेकिन इसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। उस समय के ऋषि मुनियों ने ग्रहों की गति, चंद्रमा और सूर्य की स्थितियों के आधार पर समय की गणना की और हिंदू पंचांग की रचना की। पंचांग का वैज्ञानिक आधार ग्रहों की गति और खगोलीय घटना पर आधारित है। चंद्रमा की गति, सूर्य की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ समय का विभाजन किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से पंचांग का उपयोग त्योहारों, व्रत और शुभ कार्यों के लिए सही समय निर्धारण में किया जाता है। पंचांग ये वैदिक काल से चला रहा है, ऋषियों काल से चला रहा है। पराशर थे, वशिष्ठ थे, तमाम मुनि लोग जो थे। सबसे पहले तो यह सिद्धांत सूर्य के द्वारा दिया गया है। सूर्य सिद्धांत है, पौलिस सिद्धांत है, इन तमाम सिद्धांत अनादिकाल से, वैदिक काल से ये चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में जो पंचांग विशेषता चल रहा है वो विक्रम संवत से चल रहा है, जो विक्रम संवत आज से जो है 2080 साल पहले यह हुआ था। तो महाराज विक्रमादित्य के समय से ही विक्रम संवत का निर्माण हुआ और उसी के आधार पर पंचांग का निर्माण होकर के आज वही आधुनिक चीज चल रहा है। जय विश्वनाथ।